सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आज महाराष्ट्र के संग्राम पर, जहां पर तीनों दलों के जरिए जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई हुई और फैसला सामने आया, जिसमें कल शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट की बात यहां पर रखी गई है और कहा है कि इस दौरान प्रोटीम स्पीकर तमाम जो सदस्य हैं, तमाम जो विधायक हैं, उनको शपथ दिलाएंगे और उसके बाद जो है एक एक करके प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट होगा और इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, लेकिन गुप्त मतदान नहीं होगा, ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन प्रोटीम स्पीकर ही यहां पर ये फ्लोर टेस्ट कराएगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही ये फ्लोर टेस्ट होगा। तो कल विशेष सत्र बुलाया जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है और नवाब मलिक ने कहा है कि सत्यमेव जयते बीजेपी का खेल खत्म हुआ है और केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कल के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि हमें यकीन कल जीत हमारी ही होगी। तो ये अजीत पवार का आप ट्वीट देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं उस ट्वीट के जरिए, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक कोई भी रिएक्शन अजीत पवार का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें सामने नहीं आया है। इस दौरान कई तरह की संभावनाएं यहां पर चल रही हैं कि क्या आखिरकार अजीत पवार के दिल में है, लेकिन फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक एक करके ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीपी के नेता नवाब मलिक, सत्यमेव जयते बीजेपी का खेल खत्म, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं अजीत पवार को मनाने की और ये दम भी भर रहे हैं कि बीजेपी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। नवाब मलिक ने एक और ट्वीट किया कि हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। तो एक एक करके ट्वीट सामने आ रहे हैं। इससे पहले संजय राउत का आपने यहां पर बयान सुना है, उन्होंने कहा कि सत्य की जीत यहां पर हुई है। शरद पवार का ट्वीट भी यहां पर सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जहां पर कहा है कि आई एम ग्रेटफुल टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, इट्स हार्टनिंग दैट द महाराष्ट्र वर्डिक्ट कम ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो धन्यवाद यहां पर जताया है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है संविधान दिवस के दिन पर, जिस तरह से महाराष्ट्र में संग्राम चला हुआ है और लगातार ये कोशिशें तीनों ही दलों की थी कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए, लेकिन ये संभावनाएं भी जताई जा रही थी कि जिस तरह की प्रक्रिया है शायद 2 से 3 दिन का वक्त लगे और ऐसे में शायद वक्त उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है उसमें 30 घंटे का वक्त बीजेपी को दिया गया है, यानी कि कल शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट यहां पर बीजेपी को साबित करना होगा।